অনন্য জীবন কৃতি সম্মান। খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এবারে জীবন কৃতি সম্মান যিনি পাবেন আজ এই অনন্য সন্ধ্যায়, শুধু তিনি নন, তার সঙ্গে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তার পরিবারের প্রায় সব সদস্য। আমি অনুরোধ জানাব তার পরিবারের এই সদস্যরা, লতাজি তো আছেনই, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর, ভারতী মঙ্গেশকর, আদিনাথ মঙ্গেশকর, বৈজনাথ মঙ্গেশকর, কৃষ্ণা মঙ্গেশকর, রত্না শাহ, রচনা শাহ এবং রাধা মঙ্গেশকর, এদেরকে একটু এই সভায়, এই মঞ্চে ডেকে নেব। মে আই কল আপন দ্য স্টেজ অল দ্য মেম্বার্স, অল দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স অফ মঙ্গেশকর ফ্যামিলি, মে আই কল আপন প্লিজ। শ্রদ্ধেয়া লতা মঙ্গেশকর, মাননীয় সুর, সুর দুনিয়ার বিশ্ব নাগরিক আপনি, আপনার কণ্ঠ মায়ায় আলোড়িত সারা বিশ্ব, আপনার সুরমূর্ছনায় সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি, আপনি এক উজ্জ্বল আলোক পত্রিকা, আপনাকে আমাদের শ্রদ্ধা। আপনার বর্ণময় সৃষ্টিশীল জীবনকে সম্মান জানাতে পেরে 24 ঘন্টা অনন্য সম্মান 1417 গৌরবান্বিত। আপনার দীর্ঘ সুস্থ বর্ণময় জীবন আমাদের কাম্য। সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, আমি লতা মঙ্গেশকর হাতে তার জীবন কৃতির সম্মান তুলে দেওয়ার আগে আমি বরুণ দাস তাকে অনুরোধ জানাবো তার পরিবারের অন্য সদস্যদের হাতে আমাদের এই সাম্মানিক তুলে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে আমি পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী তাকে অনুরোধ জানাবো মঞ্চে আসার জন্য, শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকরের হাতে জীবন কৃতি সম্মান তুলে দেওয়ার জন্য। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, we are grateful to you, ab har back nahi kar sakte hain, do char shabd mein please aap ji kahiye, namaskar। main bahut khush hu ki aaj yahan ka ye bada samman mujhe mila hai aur maine kabhi ummeed nahi ki thi ki ye milega aur sirf mujhe nahi meri sari family ko aapne izzat di hai। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ स्वामी जी के मठ के लोग बैठे हुए हैं, सब स्वामी जी हैं, और मैं विवेकानंद भक्त हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे पिताजी भी मानते थे, मेरा भैया भी मानता है, और हमारे घर के सब लोग विवेकानंद जी के और रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैंने आज तक हिंदी के अलावा बंगला में बहुत गाने गाए हैं, और उसके बाद मराठी, मतलब मराठी और बंगला मैंने बहुत गाने गाए हैं, और सबसे ज़्यादा मराठी गाने मैंने हृदयनाथ के गाए हैं, जो उसके बंगाली भी हुए हैं और वो यहाँ बजे भी हैं।
लोगों ने पसंद भी किए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी भाषा और बांग्ला भाषा बहुत मिलती है, इसलिए बांग्ला में संस्कृत है और हमारी भाषा में भी संस्कृत है मराठी में, तो इसलिए हम लोग समझते भी हैं। और मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीखा है बंगाली, मैं थोड़ा जानती हूँ बंगाली, और बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, पर थोड़ा बहुत ही सही मैंने सीखा है। और मुझे शरद बाबू, बंकिम बाबू, इन सब की मैंने किताबें भी पढ़ी हैं। और शरद बाबू मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा लेखक थे, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सी बार पढ़ी है, तो मैं अपने आप को बंगला के बहुत नज़दीक समझती हूँ। और इसीलिए आज मुझे आप लोगों ने इतनी बड़ी इज्जत दी है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, बल्कि हमारा मंगेशकर परिवार आपका आभारी है। मैं हृदयनाथ मंगेशकर जी आपको कुछ कहने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। आप लोगों ने हम लोगों का संस्कार सम्मान किया, हमारे यहाँ सम्मान को एक अलग ही शब्द है, वो मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे दीदी ने कहा कि वो शब्द नहीं लेना, क्योंकि बंगाली में उसका अर्थ अलग होता है। तो जो आप लोगों ने सम्मान किया हमारा, अनन्य सम्मान है ये, जैसा अन्य मतलब और किसी की तरह नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। तो अनन्य संस्कार सत्कार अपने सम्मान आपने हमारा किया, और दीदी का दीदी आई इसलिए हम लोग उसके भी पीछे आ गए हैं, और इतनी बीमारी में वो आई इसका मुझे आश्चर्य लगता है। अब आश्चर्य इससे नहीं लगता कि आप लोगों के सिर्फ प्यार के लिए उसने एक बड़ी जिम्मेवारी उठाई, डॉक्टर की बात नहीं मानी, हमारी बात मानी और वो यहाँ पे आई। We are grateful to you, all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you to all. मैं यहाँ बिरेश्वर सरकार को अपना भाई मानती थी, और हालांकि उनका जो बिजनेस है वो सोना चांदी का है, पर वो म्यूजिक भी करते थे, फिल्में भी उन्होंने बनाई। और अभी उनकी डेथ के बाद मैंने उनके कंपोज किए हुए कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं, और उस रिकॉर्ड को जी टीवी ने मुझे एक अवार्ड दिया है। आज उनकी पत्नी श्रीमती सरकार यहाँ आई है और वो ये सबके सामने देना चाहती है। थैंक यू मैम। द लास्ट रिक्वेस्ट जो हम लोग विस्पर से कह रहे थे थोड़ा बंगला कहने के लिए, तो लता जी को बोलें जे बोलते पारी भय पाची इत्यादि हमें एक जोड़े शुरू नब हमें एक टू अंत तो एक वाक्य दुटो वाक्य जो बांगला सुनते पारी प्लीज मे आई रिक्वेस्ट यू कि बोलबो हम बुझते पाची ना বাংলা ভাষা খুব খুব ভালো কিন্তু আমি বলতে পারি না প্লিজ মাফ করে থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক্স টু অল অফ ইউ হ্যাঁ থ্যাংক্স টু